गोरखपुर महोत्सव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत टेराकोटा के हस्तशिल्पों द्वारा विभिन्न प्रकार के साज सज्जा के सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। टेराकोटा के सामान पोखरे में पाए जाने वाली एक खास प्रकार की चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। शिल्पकार अपने हाथों से विभिन्न प्रकार की मनमोहक आकृतियां तैयार करते हैं, जिसे टेराकोटा विश्वविख्यात उत्पाद के नाम से जाना जाता है, जो महानगर की एक अलग पहचान बनाती है। टेराकोटा के सामान अपने आप में भी एक अजूबा है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से लोगों को आकर्षित करता है। टेराकोटा के शौकीन अपने मनचाहे उत्पादों को खरीदने के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। महोत्सव में सरस मेला एवं शिल्प मेला में टेराकोटा के उत्पाद अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इसे देखने और खरीदने के लिए खरीदारों का तांता लगा हुआ है। इतना ही नहीं, शिल्प मेले में आए युवाओं को मिट्टी के उत्पादन इतने आकर्षक लग रहे हैं कि खुद को सेल्फी लेने से रोक नहीं पा रहे हैं। टेराकोटा शिल्पकारों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोरखपुर महोत्सव में टेराकोटा के उत्पाद लगाए गए हैं। इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, हमारी बिक्री भी बहुत होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए टेराकोटा के सामानों के खरीदार और टेराकोटा हस्तशिल्प कमलेश प्रजापति ने कहा, बस अभी नहीं, अब नहीं हो गया। किशन भाई काट लेगा। आयशा मजीद, हम गोरखपुर महोत्सव में आए हैं। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेराकोटा की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे टर्टल है और डेकोरेशन की बहुत सी चीज़ें हैं और बुक स्टॉल है। और ये अच्छा मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों की कि इनकम जनरेट हो सके, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट या जैसे टेराकोटा की पहली बिजनेस, अब इस तरह जैसे मेले में लोग आएंगे और स्टॉल लगाएंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और सामान भी लोग खरीदेंगे। और ये जैसे इसके बारे में लोग जानेंगे भी कि क्या क्या इसकी मतलब क्या क्या कैसे बनते हैं और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अंकित पांडे हैं, ये बहुत प्रभावित कर रहा है, इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इन लोगों की कला को देश विदेश में आगे भी प्रमोट किया जा सकता है और इन लोगों को अच्छा रोज़गार मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि इन जैसे गांव में बहुत जगह साधन नहीं पहुँच पाते हैं, उसकी कमी की वजह से ये लोग अपना रोज़गार नहीं चला पाते हैं। ये साधन को मिलेगा तो ये अपनी तरक्की करेंगे, घर परिवार को भी चलाएंगे और देश की संस्कृति को और जगह पहुँचाएंगे और चीज़ें करेंगे, इनको भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। खासियत ये लग रही है कि मतलब ये इसकी सुंदरता और फिर ये हाथ से बने हुए हैं, तो एक तरह से ये हम लोग कारीगरी जो है ये भी पता चलेगा लोगों को। और फिर कितने लोगों को पता नहीं रहता इसके बारे में, तो अगर इसे देखेंगे तो पता चलेगा, फिर इसे लोग खरीदेंगे भी, तो एक तरह से गोरखपुर मतलब एक होगा, पता चलेगा लोगों को, फिर गोरखपुर में ये भी है, फेमस है इतना ज़्यादा, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, इनकम भी जनरेट होगा इससे। निकेश बहादुर सिंह जी, हम लोग शिल्प मेला में देखने आए हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हस्त निर्मित चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है, उसी को देखने हम लोग यहाँ पे आए हैं कि क्या क्या चीज़ें। जैसे इसमें टेराकोटा मिट्टी के बर्तन है, तो ये टेराकोटा मिट्टी का बर्तन जो अपने यहाँ मतलब गोरखपुर का सबसे फेमस है, एक जिला के उत्पाद में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जैसे मतलब गोरखपुर के पर्टिकुलर क्षेत्र से आता है टेराकोटा मिट्टी के चीज़ों के बारे में, और उसी को ये बढ़ावा देने के तहत मतलब गोरखपुर का एक मतलब गृह निर्मित उत्पाद है, और इसी तरह से मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने उखने में भी मतलब।
यहाँ पर हर प्रकार के जो मतलब स्पेशल कहिए तो लगभग दो गो टाइप के जो आए हैं हाँ। और मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ जो टेरिकोटा हाँ जो ये मिट्टी के जो सामान बने हुए हैं हाँ, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है हाँ, आकर्षक है, लोगों को बहुत मदद कर रहा है। और यह जो है गुलरिया के पास एक चिकनी मिट्टी मिलती है वहाँ, जो स्पेशलाइज हुआ उस गांव के लिए मानी जाती है वो मिट्टी, और उसी को बनाया हुआ चीज़ें है। और देखिए कितनी खूबसूरती से मतलब वो चीज़ें दिख रही, जैसे लग रहा है कोई मतलब इंडस्ट्री से बनाया गया चीज़ें, ये काफ़ी प्रभावित करता है। हाँ, काफ़ी प्रभावित कर रहा है, और लोग ज़्यादा इस पर ज़्यादा सेल्फी भी ले रहे हैं कि मतलब बाकी कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितनी गाँव से बनी चीज़ें, और लोग ले भी ले रहे हैं, सामान को भी खरीद रहे हैं, जिससे जीविका का बहुत बड़ा एक साधन बन गया जो आम लोगों के लिए, जो वहाँ के गाँव के जो निवासी हैं हाँ, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत चीज़ें मतलब उनके लिए मतलब माध्यम बनाई है जीविका के लिए। हाँ सर, मेरा नाम कमलेश प्रजापति है। इसमें सर ये टेराकोटा का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनता है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोग प्रदर्शनी में लगाते हैं। गोरखपुर महोत्सव में हर साल की तरह इस साल भी लगा हुआ है। इससे सर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, इसमें बिक्री भी बहुत अच्छी होती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सर मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम लोग करते हैं सर। इसके लिए ये विशेषता है कि सर अच्छे से अपने हाथ से इसमें डिजाइन किया जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसी विशेष मिट्टी से बनती है? जी सर, इसका ये विशेषता ये है कि ये चिकनी मिट्टी से बनती है, बाकी इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता है, ये चिकनी मिट्टी का ही केवल बनता ही है।